मध्य प्रदेश के खरगोन में पूर्व पार्षद को हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में न्यायालय ले जाना नवागढ़ टीआई को भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक ने किया टीआई को लाइन अटैच। जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर महेश्वर के पूर्व पार्षद और नगर परिषद उपाध्यक्ष के पति सैफुद्दीन खान ने दो दिव्यांगों के फर्जी विवाह प्रमाण पत्र लगाकर करीब 1,00,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद सैफुद्दीन को दोषी पाया। आरोपी को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में थाने ले आए। पार्षद को हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में थाने लाने पर परिजनों और कांग्रेसियों ने रात में थाने का घेराव कर दिया और टीआई को हटाने की मांग करने लगे। जब मामला गंभीर हुआ तो एडिशनल एसपी शशिकांत कनकर ने महेश्वर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया। मामले की जांच के बाद प्रथम दृष्टया टीआई हाकम सिंह पवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में थाने तक लाना गलत पाया गया, जिसमें एसपी सुनील पांडे ने टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। महेश्वर थाने में एक शिकायती आरोप पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर से जांच पर वो शिकायत सिद्ध होना पाई गई। शिकायत पर से थाने पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें पूर्व पार्षद सफीउद्दीन के खिलाफ मामला रजिस्टर्ड किया गया। सफीउद्दीन को गिरफ्तार करके कोर्ट पेश किया जा रहा था। उसी दौरान थाने से उनको पैदल कोर्ट तक ले जाया गया हथकड़ी लगाकर। इस पर से उनके परिवार के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। मौके पर जो पाया गया उसके अनुसार वो वैधानिक नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप वो कार्रवाई ठीक नहीं थी। उस पर से तत्कालीन थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच किया गया है और सभी संबंधित तथ्यों की उसमें जांच की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।